रविवाड़ी से खुसखेड़ा की राजेंद्र सिंह कॉलोनी में रहने वाले एक बिहार के मजदूर के साथ स्थानीय व्यक्ति ने मारपीट कर उसका एक हाथ तोड़ डाला, जिस पर पीड़ित के द्वारा खुसखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया। लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और अभी भी आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे भिवाड़ी से छोड़कर बिहार चले जाने की बार बार धमकियां मिल रही हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित ने सोमवार को भिवाड़ी एसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बिहार के पुराना भोजपुर का रहने वाला अभय सिंह पुत्र सत्यनारायण खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में काम करता है, जो खुसखेड़ा के करौली गाँव में राजेंद्र सिंह कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रह रहा है। गत 11 नवंबर को मसीद के रहने वाले जसवंत सिंह ने उसके साथ एक छोटी सी बात को लेकर मारपीट कर दी और उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया, जिस पर अभय सिंह ने खुसखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव की वजह से आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है तुम्हारा? अभय कुमार ठाकुर। क्या वारदात हुई थी आपके साथ? हमारे साथ में जसवंत सिंह ने छोटी करौली में हमारे साथ अन्याय किए बगैर खामोखाम के। उनकी वो कहीं और रहते हैं, हम हमारे से 200 मीटर और अलग हट के रहते हैं, तो हमारे साथ अन्याय किए, मारपीट किए और हमारे साथ में उंगली भी मोड़ दिए। उसके बाद हमारे को जान मारने से धमकी दे रहे हैं साहब। किस बात को लेकर हुआ था ये? बच्चे ने अपने बिल्डिंग के बच्चे ने जैसे दीवार पे बॉल मार रखे थे, हमारे मकान मालिक पूछे किसने मारा, हम बोले साहब देखो छोटे बालक ने अपने बिल्डिंग के ही बच्चे मार रखे हैं। इसने जसवंत सिंह ने आए और उसके बाद बोले कि तू इसको क्यों नहीं मारा, हमने बोले साहब कि हम भी भाड़े पे रहते हैं, वो भी भाड़े के बच्चा है, हम कैसे मारेंगे, अगर मारेंगे तो उसके माँ बाप आएगा, हमारे साथ अन्याय फिर होएगा। इसने मेरे को धमकी दिया और गाली दी। क्या नाम है तुम्हारा? अभय कुमार ठाकुर। क्या अन्याय किए बगैर खामोखाम के? उनकी वो कहीं और रहते हैं, हम हमारे से 200